में आपका इस्बाल है मैं सबसे पहले इस वक्त की अब से कुछ देर बाद वजीर अजम मोदी अखव मुतदा की इतदी और समाजी कौंसिल के इजलास से करेंगे वर्चुअल खिताब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान के रोल को करेंगे उजागर वजीर दिफा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दो रोजा दौरे पर जारीहत के दिलेरी से दिया जाएगा जवाब राजनाथ सिंह का इंतबाह कोरोना की रोकथाम और मौसर तिबी इलाज के लिए मजीद सौ करोड़ रुपए मख्तस मेडिकल कॉलेजों के इस को यूजीसी पे स्किल और वजीफे की हद पैंसठ बरस चीफ मिनिस्टर केसीआर का ऐलान गवर्नमेंट जूनियर और डिग्री कॉलेजेस में भी मिड डे मील स्कीम पर होगा अमल चीफ मिनिस्टर के सी आर का फैसला और हाईकोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इमारतों के निदाम को दिखाई हरी झंडी कोइट के रहनमायणा खतूत का पासों लिहाज रखते हुए कामों को जारी रखने की दी हिदायत सुर्खियों के बाद खबरनामे में आपका ख़ैर है। बढ़ते हैं खबरों की वजीम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अवत्य की अकतदी और समाजी कौंसिल इजलास के इस साल की अली सतह की नशस्त से वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे यह कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में अको के हेड से मनद हो रही है वजी अजम नारवे के अपने हम सब और अकदा सक्रटरी जनरल एंटीनो गोटरेस के साथ अख्तामी अजलास से खिताब करेंगे सतह की सालाना नशस्त में हुकूमत निजी शोबे सिविल सोसायटी के नुमाइंदे और माहरीन तालीम शिरकत कर रहे हैं इस साल की अला सतह की कॉन्फ्रेंस का मौजूद है कोविड नाइन्टीन के बाद कसर जहती निजाम आम के पचहत्तर साल पूरे होने के मौके पर हमें किस तरह की अखवा की जरूरत है बदलती हुई बीत और कोविड के तनाज में होने वाले इस अजलास में कसर जहती निजाम में अहम ताकतों के रोल पर तोज्जह मरकोज की जाएगी जिसकी मदद से मुस्तकम क्यादत मौसर बैनवानी इदारों वसी शराकत दारी और आलमी सतह पर आवाम को फलाह बहबूद की अहमियत को वसा देकर राह तलाश करने की कोशिश की जाएगी वजीम नरेंद्र मोदी के लिए पहला मौका होगा जब वह दो हजार इक्कीस बाईस के मदतिकार के लिए सत्रह जून को सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नंबर के तौर पर होने वाले में भारत की शानदार कामयाबी के बाद अवतदा की वसीता रुकनीत से खिताब करेंगे मोदी ने इससे पहले जनवरी दो हजार सोलह में अक मतदा मतलब की समाजी कौंसल की सत्तर साल मुकम्मल होने पर वर्चुअल तौर पर कलीदी खुतबा पेश किया था वजर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की एक इंच जमीन को छू नहीं सकती है इस पर कब्जा नहीं कर सकती है उन्होंने कहा कि अगर दुनिया की कोई ताकत भारत के कौमी वखार को जिक पहुंचाने की कोशिश करेगी तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा वजीर दिफा ने बैंगोंग झील के किनारे पर फौजी जवानों से खिताब के दौरान यह बात कही राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सरहदी तनाजे को सुलझाने के लिए फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत का कहा कि दौर चल रहा है मामला हल होना चाहिए तहम उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान अगर कोई हल निकलता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है वजी दिफा ने कहा कि अगर दुनिया की कोई ताकत हमारे कौमी वमला करने की कोशिश करेगी तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब कमजोर मुल्क नहीं और हमें नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर वजीर अजम मिला है उन्होंने कहा कि वादी गुलवान में हलाक होने वाले भारतीय फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि हाल ही में चीन और भारत के फौजी जवानों के बीच जो कुछ भी हुआ इसमें हमारे कुछ फौजी जवानों ने कुरबानी पेश करके मुल्क के सरहद की हिफाजत की है न सिर्फ हमें उनके खोने का गम है बल्कि मुल्क के तमाम लोग इस पर गमगीन हैं हम उनको खराज खराजत पेश करते हैं भी होता है परिवार का भी होता है लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है राष्ट्रीय स्वाभिमान यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई शब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत होता है और उससे हम दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाने देखने की जरूरत करता है उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही मिली है चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि कोरोना वबा की रोकथाम और बेहतरीन तबीयत खदम फराहम करने के लिए इजाफी तौर पर सौ करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में आज कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम का एक आला सतह इजलास में जायजा लिया इस अजलास में सेहत और तबी के सिलसिले में कई फैसले किए गए मेडिकल कॉलेज में खिदमत अंजाम दे रहे इसाजा को यूजीसी स्केल देने का फैसला किया गया नए नर्सों को भी पुराने नर्सों के बराबर तनख्वाहें देने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी आयुष महकमे में काम कर रहे के वजी की उम्र को पैंसठ बरस करने का फैसला किया गया। चीफ ने तिबी सेहत और सफाई क... सेहत और सफाई के अमले जो बलदयात और ग्राम पंचायतों में खिदमत अंजाम दे रहा है दस फीसद इन्वेस्टमेंट को जारी रखने की हिदायत दी रियासत में बारह सौ पी जी मेडिकल कोर्स करने वाले तलबा को फौरी तौर पर खदमात में लेने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दो सौ जायदादों पर तकर करने का भी फैसला किया गया चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की कि वह कोविड नाइन्टीन के तालुक से ख्वाजदा न हो हकूमत इसकी रोकथाम के लिए मौसर इकदाम कर रही है उन्होंने आवाम से अपील की कि वह हुकूमत की हदायतों पर अमल करते हुए इस नाजुक वक्त में एहतियात से काम लें रवा तलीमी साल से तेलंगाना के जूनियर और डिग्री कॉलेज के तलबा को भी मिड डे मील देने का फैसला किया गया है चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस बात का ऐलान किया उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों में ड्राप आउट की शराह को कम करने के लिए फैसला किया गया है चीफ मिनिस्टर के सीआर ने जड़चल्ला डिग्री कॉलेज में बोटानिकल गार्डन को फरोग देने से मुलक मुकामी एम एल ए सी लक्ष्मा रेड्डी से तबादले ख्याल किया और सरकारी कॉलेज में मुकामी लेक्चर रघुराम की जानीब से तलबा को दिए जा रहे मिड डे मील की जानकारी ली और रघुराम के जज्बे की खैरसाली जज्बे की, खे, की सतएश की इस मौके पर वजीर ने वाजे किया कि इस साल से जूनियर और डिग्री कॉलेज के तमाम तलबा को दोपहर में तकजिया बख्श खाना फ़राहम किया जाएगा तेलंगाना हाईकोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई की इजाजत दे दी है अदालत ने सिलसिले में पीएल विश्वेश्वर राव की जानब से मफाद हामा के तहत दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया मकदमे की सनात के दौरान सोलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सेक्रटेट की इमारत के निहदाम के लिए मरकज की इजाजत की जरूरत नहीं है सिर्फ तमीर के लिए ही इजाजत की जरूरत होती है एडवोकेट जनरल ने बताया कि इन्हदामी कार्रवाई से कबल तमाम इजातना हासिल किए गए हैं और दोनों फरीकें के दलाएल सुनने के बाद अदालत ने काबी के फैसले का खैर मुखदम करते हुए कहा कि हुकूमत की जानब से तमाम इजाजतों के हसूल के साथ कार्रवाई की जा रही है अदालत ने कोविड को नजर में रखते हुए कार्रवाई करने की हिदायत दी है मुल्क में कोरोना वायरस की शिदत के दरमियान गुज्तर 24 घंटों में राहत की बात की रही कि इस वबा से तकरीबन तेईस हजार अफरा शिफा याब हुए हैं और यह तादाद छह अशारिया तीन पांच लाख अफराद को बुर कर चुकी है यह पहला मौका है जब मुल्क में एक ही दिन में बाईस हजार नौ सौ बयालीस अफरादयाब हुए हैं और ये राहत वाली खबर एक ऐसे दिन सामने आई है जब रिकॉर्ड चौंतीस हजार नौ सौ छप्पन नए केसेस के साथ कोरोना वायरस मरीजों की तादाद दस लाख तक पहुंच गई है दुनिया में हिंदुस्तान तीसरा मुल्क है जिसने दस लाख मुतासन को बूर किया है पहले नंबर पर अमेरिका है जहां सबसे ज्यादा तादाद पैंतीस लाख से जायद है दूसरे नंबर पर ब्राजील में बीस लाख बारह हजार पांच सौ पंद्रह केसेस हैं जुम्ह को वजारत सेहत की जानवे से जारी करदा ताजा तरीन आदाशुमार के मुताबिक मुल्क में मुताहर अफराद की तादाद दस लाख तीन हजार आठ सौ बत्तीस हो गई है मरने वालों की तादाद छह सौ सतायासी से बढ़कर पच्चीस हजार छह सौ दो गई और अब तक मजबूत तौर पर छह लाख पैंतीस हजार सात सौ सत्तावन मरीज सेहतियाब हुए हैं मुल्क में कोरोना वायरस के तीन लाख बयालीस हजार चार सौ तिहत्तर फाल केसेस फिलहाल हैं कोरोना वायरस की वजह से बड़ी तादाद में गरीब परेशान हाल हो गए हैं मरकजी हुकूमत की जानव से दुखी घड़ी में फौरी हरकत में आते हुए परेशान हाल गरीब खानदानों के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया है जिसकी वजह से गरीब को एक बड़ी राहत मिल रही है इस स्कीम के तहत फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाले खानदानों को हर फर्द को फी का पाँच किलो चावल दिए जा रहे हैं आसिफाबाद जिले में इस स्कीम पर कामयाबी के साथ अमलावरी हो रही है जिले में दो सौ अठहत्तर राशन शॉप्स के जरिए चार लाख चार सौ छब्बीस दफादा कुनिंदगान में राशन तकसीम किया गया है और रियासती हुकूमत के पांच किलो चावल मिलाकर फीकस दस किलो चावल दिए जा रहे हैं जबकि साथ हर खानदान को एक किलो तुअर की दाल भी मुफ्त दी जा रही है रियासत के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बाखार प्रोग्राम पल्ले प्रगति में संगारड्डी जिला सरफहरिस्त है पटन में आज ट्रैक्टर तकसीम प्रोग्राम में हरीश राव ने शिरकत की पचपन गांवों के लोगों में ट्रैक्टर तकसीम किए गए इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि एमएलए जी महीपाल रेड्डी ने अपनी जाति पैसों से ट्रैक्टर्स तकसीम किए हैं और साथ ही साथ वाटर टैंक तकसीम किए उन्होंने कहा कि हर गांव में मिशन भगीरता के जरिए पीने के पानी का सप्लाई और चौबीस घंटे बिला खलल बरकी सरबराही को लेकर रियासत एक मिसाली रियासत बन गई है कोरोना वायरस के असर से छोटे ताजर और मजदूर पेशा बेहद मुतासर हो गए थे मरकजी हुकूमत ने वक्त पर मुनासिब कार्रवाई करते हुए गरीब कल्याण योजना को शुरू किया जिससे गांव में रहने वाले लोगों को एक सहारा मिल गया यह स्कीम खमन जिले में समरावर साबित हो रही है मधीरा बल्दिया हदूद में बीस हजार इस्तफादा कुंदगान को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मदद फराहम की गई है इस स्कीम के तहत जिले के तमाम राशन शॉप से गरीब खानदानों को मुफ्त में राशन सप्लाई किया जा रहा है गुज्त तीन महीनों से काम न होने से परेशान मजदूरों को मरकजी हुकूमत ने फी कस पांच सौ रुपये दिए हैं ये माली मदद इस मुश्किल घड़ी में एक बड़ी राहत साबित हुई है ప్రతి నెల ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి పదిహేనో తారీఖు వరకు ప్రతి నెల బియ్యం ఇస్తున్నారు మోడీ గారు ప్రతి నెల మనిషికి ఐదు కేజీలు రెండు కేజీలు పొప్పిస్తున్నారు ఈ లాక్డౌన్ కారణం వల్ల గత మూడు నెలల నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఐదు కేజీల నుంచి రెండు కేజీలు పొప్పిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ఐదు వందలు दूरदर्शन हैदराबाद केंद्र के న్యూస్ యూనిట్ यूनिट में कैजुअल ఆర్జీ आरजी तौर पर मुख्तलिफ जमरों के लिए अहल उम्मीदवारों से मतलूब हैं और उर्दू न्यूज़ के लिए असिस्टेंट न्यूज एडिटर कॉपी एडिटर सी.जी. ऑपरेटर के बशमोल प्रोडक्शन असिस्टेंट वेबसाइट असिस्टेंट असिस्टेंट वेबसाइट एडिटर ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट वीडियो एडिटर स्टोनोग्राफर की कैटेगरीज के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वा तलब की गई है ये तकरूरत पूरी तरह आर्जी होंगी मुंतब उम्मीदवारों को हर महीने सिर्फ सात असाइनमेंट ही दिए जाएंगे तजुर्बेकार और अहल उम्मीदवार डब्ल्यू 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 डॉट दूरदर्शन डॉट जी ओ वी डॉट इन स्लैश डी, डी, डी यादगिरी दूरदर्शन की वेबसाइट पर सर्कुलर पर क्लिक करें और तमाम तफी उन्हें हासिल हो जाएंगी फॉर्म डाउनलोड करने के बाद बगैर किसी फीस के साथ ऑर्डनरी पोस्ट के दरकार के साथ इन्हें से रवाना करें फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख चौदह अगस्त दो हजार बीस मुकर की गई है इससे कबल दरख्वास्त दाखिल कर चुके हैं उम्मीदवारों को दोबारा दरख्वात दाखिल करने की जरूरत नहीं है तमाम कैटेगरीज आर्जी हैं मुस्तिल होने का कोई इम्कान नहीं है मजदूर तफी के लिए डब्ल्यू 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 दूरदर्शन की वेबसाइट पर मुलाजा कीजिए और नाजी खबरनामे कहीं पर खत्म होता है मुझे दें इजाजत लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर शबाखैर अब से कुछ देर बाद वजीर अजम मोदी अखवा मुतदा की इकत और समाजी काउंसिल के इजलास से करेंगे वर्चुअल खिताब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान के रोल को करेंगे उजागर वजीर दिफा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दो रोजा दौरे पर जारहत के दिलरी से दिया जाएगा जवाब राजनाथ सिंह का इंतबाह कोरोना की रोकथाम और मसर तबी इलाज के लिए मजीद सौ करोड़ रूपये मख्तस मेडिकल कॉलेजों के इस को यूजीसी पे स्किल और वजीफे की हद पैंसठ बरस चीफ मिनिस्टर केसीआर का ऐलान गवर्नमेंट जूनियर और डिग्री कॉलेज में भी मिड डे मील स्कीम पर होगा अमल चीफ मिनिस्टर केसीआर का फैसला और हाईकोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इमारतों के निदान को दिखाई हरी झंडी कोइड के रहनमायणा खतूत का पासो लिहाज रखते हुए कामों को जारी रखने की दी हिदायत